हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे टेक्निकल जॉन। स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमआई वेट वॉलन 5 का स्टेबल ओटी अपडेट आया है पोको X3 में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमआई वेट वॉलन 5 का स्टेबल ओटी अपडेट पोको X3 में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है मी पायलट टेस्टर या मी बीटा टेस्टर को। तो अगर आप ग्लोबल रॉम यूज़ कर रहे हो पोको X3 में तो आपको शायद ये अपडेट मिला होगा अगर आप बीटा टेस्टर है, बट अगर आप नहीं है तो आपको ये अपडेट नहीं मिला होगा। और इंडियन रॉम के लिए आपको वेट करना होगा 2 से 3 सप्ताह या 1 महीना बोल सकते हैं। 1 महीना बाद आपको जो है पोको X3 में एमआई वेट 1215 का स्टेबल ओटी अपडेट देखने को मिलेगा। ये आपका ग्लोबली है तो इंडिया में उसके बाद 1-2 सप्ताह में आ ही जाता है ज़्यादातर, तो उसके लिए आपको 1-2 सप्ताह वेट करना होगा तो जाके आपका एमआई वेट 1215.1.0 का स्टेबल ओटी अपडेट पोको X3 में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, बट अगर आपको नहीं वेट करना, अभी इंस्टॉल करना, तो उसके लिए आपको कस्टम रिकवरी चाहिए, आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, चाहे TWRP हो, ऑरेंज बॉक्स हो या पिच ब्लैक हो। तो आप डायरेक्टली रिकवरी रॉम जो उसको डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, जहां से आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फ्लैश करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो बस जाइए अगर आपको करना है, और अगर आपको वेट करना हो वेट कर सकते हैं अगले महीना तक आपका जो पोको X3 में एमआई वेट 1215.1.0 का ग्लोबल स्टेबल या स्टेबल रॉम आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी जन परेशान ये स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद, तो पोको M2 और M2 प्रो में एमआई वेट 1215 का स्टेबल ओटी अपडेट शायद अगस्त का एंड तक या अगस्त का मिड तक देखने को मिल सकता है, और बीटा टेस्टर को पहले तो मुझे पहले ही मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा कि जैसे ही मिलेगा आपको तो मेरे तरफ से वीडियो मिल ही जाएगा, फुल रिव्यू और सभी कुछ, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा सभी कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तो पोको M2 प्रो और M2 को एमआई वेट 1215 का स्टेबल ओटी अपडेट एंड्रॉयड 11 के साथ जल्दी अगले महीने का एंड तक शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा फिलहाल, तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉल करना तो आप कस्टम रॉम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका पोर्टेड रॉम होता है एमआई वेट 1215 का। और शायद इस बार आपको जो है अपडेट के साथ फुल स्क्रीन जेस्चर जो है वो भी पोको M2 और M2 प्रो को दोनों को ही देखने को मिल जाए। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो बस यही था कि पोको X3 को, पोको X3 NFC को एमआई वेट 1215.1.0 का स्टेबल ओटी अपडेट मिल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आया, तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन कॉल में रख सकते हैं। नोटिफिकेशन कॉल में रखने के बाद इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ भी सजेशन, रिकमेंडेशन, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बोलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 40K जल्दी पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बोलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।